कोरोना की लहर से जूझ रही दुनिया मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों की वजह से दहशत में है। दुनिया के 80 देशों में मंकी पॉक्स के 16,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कहा गया कि मंकी पॉक्स का संक्रमण संभव तो है लेकिन ये घातक नहीं। मंकी पॉक्स के पीड़ित लोगों में बुखार के बाद बदन दर्द, शरीर के अंगों में सूजन समेत दाने नजर आते हैं। वहीं इससे उभरने में पीड़ित को 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पीड़ित के संपर्क में आने से मंकी पॉक्स हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बंदरों, चूहों और गिलहरियों से भी ये बीमारी फैल सकती है। वहीं कुछ मामले गंभीर हो सकते हैं। मंकी पॉक्स के कुछ मरीजों की गई जान। पश्चिम अफ्रीकी में मंकी पॉक्स से पीड़ित कुछ मरीजों ने अपनी जान भी गंवा दी। हालांकि ऐसे मामले 1% से भी कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मृत्यु दर 0 से 11% तक जा सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि छोटे बच्चों में भी बीमारी जानलेवा हो सकती है। भारत में मंकी पॉक्स का हल। भारत में मंकी पॉक्स के फिलहाल 5 मामले दर्ज हो गए। केरल, दिल्ली, तेलंगाना में मरीज मिले। दिल्ली में मंकी पॉक्स का आज एक और मरीज मिल गया। मरीज को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी अस्पताल में मंकी पॉक्स का एक अन्य शख्स अस्पताल में भर्ती है। बता दें इससे पहले 3 लोग केरल में इस वायरस से संक्रमित मिले थे। इसके अलावा तेलंगाना में एक संदिग्ध मरीज का इलाज चल रहा है।